मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ अगेन योर लेक्चर नंबर थर्ड ऑफ यूनिट टू. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इन कंटिन्यूशन विद द लास्ट आर्टिकल. तो लास्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस जनरलाइज्ड मोमेंटम. मोमेंटम आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था, मोमेंटम इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे. अब हमने निकालना है जनरलाइज्ड मोमेंटम. तो जनरलाइज्ड मोमेंटम में क्या करना है, वो कह रहा है कि कैनेटिक एनर्जी ऑफ द आईथ पार्टिकल. ठीक है, हमने निकालना है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के लिए जनरलाइज्ड मोमेंटम निकालना है. वो कह रहा है कैनेटिक एनर्जी ऑफ आईथ पार्टिकल जिसका मास है एम और मूव कर रहा है, मोमेंटम है ना, तो इसका मतलब बॉडी जो है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, जिसका मास है स्मॉल एम और मूविंग विद वेलोसिटी है वी आई, इज गिवन बाय टी इज इक्वल्स टू हाफ एम आई वी आई स्क्वायर. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम आई वी आई स्क्वायर. आईथ पार्ट वैसे तो होता है हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है, लेकिन ये पार्टिकल क्या है, आईथ पार्टिकल, जिसका हर एक पार्टिकल का अपना मास होगा, इसलिए मास के नीचे लगा दिया सफिक्स में आई, और उसकी अपनी वेलोसिटी होगी, इसलिए नीचे सफिक्स में क्या लगा दिया, आई. तो क्या आएगा, हाफ एम आई वी आई का स्क्वायर. क्या आ गया, हाफ एम आई. अब वेलोसिटी को इसने क्या लिया हुआ है, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. जिसको भी हम टाइम से डिवाइड करा देते हैं, तो टाइम से डिवाइड कराने का मतलब है कि उसको डिफरेंशिएट करा दिया हमने टाइम के साथ. तो इसलिए अगर एक बार ही डिफरेंशिएट कराते हैं तो एक सिंगल डॉट आ जाती है उसके ऊपर. इसका मतलब यही है, इसको या तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ डी एक्स आई बाई डी टी, या फिर मैं ऐसे लिखूँ एक्स आई डॉट, एक ही बात है. दोबारा सुनो मैं क्या कह रही हूँ, कि एक्स वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन. तो अगर किसी को भी अगर टाइम से डिवाइड कराएंगे, इसका मतलब उसको डिफरेंशिएट करा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक्स आई डॉट बन जाएगा. तो ये क्या आएगा हमारे पास, अगर हम चाहे एक चीज़ एक ही बात है, अगर आप लिखो डी एक्स आई बाई डी टी, चाहे लिखो एक्स आई डॉट, इसका मतलब क्या है, एक ही है. अब यहाँ आ जाओ, अब मैंने बताया कि वी आई किसके इक्वल है, एक्स आई डॉट के. तो वी आई स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक्स आई डॉट स्क्वायर के. दिस इज इक्वेशन नंबर 7. ये पिछले आर्टिकल से कॉन्टिन्यूशन में ही चल रहा है, क्योंकि जनरलाइज जो कोऑर्डिनेट्स वाला आर्टिकल था. ठीक है, तो अब मैंने इसको क्या कराना है, अगेन डिफरेंशिएट करा दो, लेकिन एक्स आई डॉट के रिस्पेक्ट में, मतलब वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा दिया. तो क्या आएगा, कर्ली टी बाई कर्ली एक्स आई डॉट इज इक्वल्स टू हाफ एम आई, कॉन्स्टेंट है एट ए टाइम फॉर अ पार्टिकल के लिए, जो मास है वही रहेगा, मास थोड़ा चेंज होता है, इसलिए हाफ एम आई ही रहेगा. और इधर टू बाहर है, टू ऊपर पावर में है, तो आगे आ जाएगा टू एक्स आई डॉट आ जाएगा. टू से टू कैंसिल, कितना आएगा, एम आई एक्स आई डॉट. दिस इज इक्वेशन नंबर 8. वो कह रहे हैं नाउ लीनियर मोमेंटम एसोसिएटेड विद लीनियर वेलोसिटी वी आई और एक्स आई डॉट इज लीनियर मोमेंटम के लिए हमारे पास अगेन ये फॉर्मूला होता है. अगलोंग एक्स एक्सिस पे अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, तो एक्स आईथ पार्टिकल के लिए पी एक्स आई, ठीक है, ये डॉट नहीं है, पी एक्स आई इज इक्वल्स टू एम आई एक्स आई डॉट, मास इनटू वेलोसिटी. वेलोसिटी किसकी इक्वल थी, एक्स आई डॉट के. दिस इज इक्वेशन नंबर 8 तक हो गई थी, 9th इक्वेशन. तो कह रहे हैं अब इन दोनों इक्वेशन को करवाओ कंपेयर. ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन, इधर भी एम आई एक्स आई डॉट कर्ली टी बाय कर्ली एक्स डॉट के इक्वल आया, इधर भी एम आई एक्स आई डॉट पी एक्स आई के इक्वल आया. तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 8 एंड 9, आपके पास पी एक्स आई किसके इक्वल आ जाएगा, कर्ली टी बाय कर्ली एक्स आई डॉट के. दिस इज इक्वेशन नंबर 10. तो वो कह रहा है लीनियर मोमेंटम एसोसिएटेड विद जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्यू के इज कॉल्ड जनरलाइज मोमेंटम पी के. अब उसको जनरलाइज कोऑर्डिनेट से रिप्लेस करना है, तो मोमेंटम को भी रिप्लेस कराना पड़ेगा. तो जनरलाइज मोमेंटम को हमने लिख दिया पी के, और कर्ली टी कर्ली एक्स आई डॉट की जगह के लिखा कर्ली क्यू के डॉट. ठीक है, तो जहाँ जहाँ ये पार्टिकल के लिखा था वहाँ कोऑर्डिनेट्स के लिए लिख दिया के लिख दिया. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. सो दैट इज जनरलाइज्ड मोमेंटम इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, डिफरेंशियल कर रहे हैं इसको कर्ली बाय कर्ली क्यू के डॉट. ठीक है, डिफरेंशियल किसका कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी का. काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ किसकी टर्म्स में हमने निकाला, एक्स आई डॉट का मतलब क्या है, वेलोसिटी.
जर्नलाइज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स, तो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में किया, कर्ली क्यू के रिस्पेक्ट में। तो ये आपके पास आर्टिकल था किसके लिए, जर्नलाइज मोमेंटम के लिए, वेरी इजी आर्टिकल, ठीक है। आप यहाँ से इसको साथ साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, अदरवाइज आई विल फॉरवर्ड यू नोट्स ऑल्सो ऑफ दिस। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर आर्टिकल इन दिस कंटिन्यूइंग आर्टिकल, दैट इज़ जर्नलाइज फोर्स। तो इसमें स्टूडेंट्स आपके पास कोई भी पूछ के आ सकते हैं, वो कुछ भी पूछ सकते हैं कि आप इसके लिए जो है जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स जो है, या जर्नलाइज फोर्स निकालो, जर्नलाइज मोमेंटम निकालो, ठीक है। कंसेप्चुअल में आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपके पास अब जर्नलाइज कोर्स, जर्नलाइज सॉरी फोर्स करेंगे हम। इसमें क्या है, कंसीडर ए सिस्टम जिसमें कैपिटल एन पार्टिकल्स हैं और कोई भी कंस्ट्रेंट उस सिस्टम के ऊपर नहीं है। सपोज अ फोर्स समीशन ऑफ एफ आई, टोटल फोर्स एक्ट हो रहा है सिस्टम के ऊपर जिसके कारण कुछ जो है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो वो कह रहे हैं अब ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, जब फोर्स की बात आ रही है तो मुझे फोर्स का पता है। देखो जैसे हमने मोमेंटम किया था तो मैंने मोमेंटम से लेकर चली मैं कि पार्टिकल जो है उसका मास एम आई है, मूव कर रहा है यही वेलोसिटी से। अब फोर्स की बात हो रही है तो फोर्स का मतलब क्या है, फोर्स वर्क डन होगा तभी फोर्स इज सेट टू बी डन। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसी टर्म में इसके आर्टिकल की स्टार्टिंग करेंगे। ये कह रहा है एक पार्टिकल कंसीडर करेंगे जिसके एन पार्टिकल्स हैं, कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है। वो कह रहा है एफ आई जो है फोर्स एक्ट हो रहा है, जिसके कारण अगर फोर्स एक्ट हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसमें, और वो पार्टिकल कितना मूव कर रहा है, कर्ली ऑफ आर आई ऑफ द सिस्टम। वर्क डन कितना हो रहा है, डेल्टा ऑफ डब्ल्यू, कमी हो रही है, लेकिन कमी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, कमी वर्क डन किया है। तो डेल्टा ऑफ डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, समीशन ऑफ एफ आई और कर्ली ऑफ आर आई, दिस इज इक्वेशन नंबर 12, ठीक है। अब चलते हैं, मुझे पता है कि मेरे पास जो है, वी नो दैट कर्ली ऑफ आर आई समीशन जे इज इक्वल्स टू 1 to 3 n, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी कंस्ट्रेंड जो नहीं लगे हुए, कंस्ट्रेंट्स इसमें नहीं लगे हुए, ना कंस्ट्रेंट मोशन है, कोई कंस्ट्रेंट्स लगे ही नहीं हुए इसमें, जे इज इक्वल्स टू 1 to, इसलिए 3 n लिया हुआ है। इसको लिखिए कर्ली आर आई बाई कर्ली क्यू जे इन टू पार्शियल कर्ली ऑफ क्यू जे, ठीक है। ये हमने लिख लिया, ये मुझे पता है कि अगर आपने इसको लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे, इधर कर्ली कर्ली सेम आता है, हैं, और इधर पार्शियल पार्शियल हो जाता है, आर आई एल आई वाला इधर सेम आता है, ये इधर आपके पास आमने सामने वाले सेम आते हैं। अब इक्वेशन 12 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 12 थी मेरे पास कर्ली ऑफ आर आई का मैंने निकाला है इस टर्म में, तो ये इक्वेशन नंबर 12 थी। तो कर्ली ऑफ आर आई जो मैंने निकाला है उसको यहाँ पुट करा देंगे इक्वेशन नंबर 12 में। तो इक्वेशन नंबर 12 क्या बन जाएगी, डेल्टा ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to N एफ ओ फाई, समीशन जे इज इक्वल्स टू 1 to 3 n, कर्ली आर आई बाय कर्ली क्यू जे, कर्ली ऑफ क्यू जे डॉट क्यू जे, ठीक है, डॉट नहीं आएगा। तो कर्ली ऑफ डब्ल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, समीशन आई इज इक्वल्स टू, अब यही अगर आप जेथ पार्टिकल के लिए लिख रहे हो तो कैसे लिखेगा वर्क डन, वो कह रहा है कि इस पूरे की जगह हमने जेथ पार्टिकल लिख दिया, इसको क्यू जे के इक्वल लिख दिया, और इस पूरे को आपने अगेन किसके इक्वल, पार्शियल कर्ली ऑफ क्यू जे के इक्वल लिख दिया, ठीक है। वो कह रहा है जहाँ आपके पास क्यू जे किसके इक्वल है, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा क्या है आपके पास एफ आई, ये पूरा का पूरा है क्यू जे के इक्वल, क्यू जे हमने एज इट इज यहाँ से उतार के लिख दिया। तो इसका मतलब इक्वेशन 14 ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में हमने लिख दिया, क्यू जे लिख दिया ना, वो कह रहे हैं तो इक्वेशन 14 शो कर रहा है कि क्यू जे किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फोर्स के ऊपर, एंड ऑल्सो ऑन द कोऑर्डिनेट क्यू ऑफ जे, और टाइम के ऊपर भी कर रहा है, इसलिए क्यू जे इज जनरलाइज फोर्स एसोसिएटेड विद द कोऑर्डिनेट। वो कह रहा है क्यू जे जो है वो जनरलाइज फोर्स है एसोसिएटेड विद द कोऑर्डिनेट ऑल्सो, ठीक है। ये आपके पास था जनरलाइज्ड, आपके पास आर्टिकल जनरलाइज्ड फोर्स वाला। अब नेक्स्ट है आपके पास जनरलाइज्ड मोमेंटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं दोनों,
जनरलाइज्ड फोर्स एंड जनरलाइज्ड पोटेंशियल। देखो क्या होता है, ये आपको करवाया भी हुआ है जनरलाइज्ड पोटेंशियल कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वी। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम आर डिराइव्ड, अगर फोर्सेस जो है वो डिराइव करी गई है स्केलर पोटेंशियल डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ओनली, और सिर्फ पोजिशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो द स्केलर पोटेंशियल वी रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो उस केस में स्केलर पोटेंशियल होता है वो रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये मैंने तुम्हें यूनिट वन में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, वही चीज़ यहाँ दोबारा आ रही है। तो वो कह रहा है देयरफोर वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द सिस्टम इन एन आर्बिट्ररी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क डन है, वर्क डन का मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वही टर्म्स उठा के लिख दो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है कर्ली ऑफ आर आई ऑफ द सिस्टम इज, कितना आ जाएगा आपके पास वर्क डन उस केस में माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वी के इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल ऑफ वी आ जाएगा। तो यहाँ से आई समिशन आई वेरियस फ्रॉम वन टू एन, इसको कैसे लिखा जाएगा, देखो आपके पास ग्रेडियंट ऑफ वी हो, इसे कैसे लिखा हुआ है, वी है ना ग्रेडियंट में चल रहा है, तो कर्ली कर्ली एक्स आई, कर्ली कर्ली वी, वाई एक्स वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग हम करेंगे इसको कर्ली, डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियल, तो कर्ली बाय कर्ली एक्स आई, कर्ली बाय कर्ली वाई आई, कर्ली बाय कर्ली जेड आई। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ वी को कर रहे हैं तो इधर वी लग गया, इधर वी। ठीक है, अब कर्ली भी करना है तो इधर क्या आएगा, इधर कर्ली आ जाएंगे, इधर देखो इधर कर्ली है ना, तो सामने क्या चलेंगे, इधर कर्ली एक्स आई, कर्ली वाई आई, कर्ली जेड आई, नीचे आएगा आपके पास पार्शियल, इधर कर्ली कर्ली कर्ली। दिस इज इक्वेशन नंबर 15। तो वर्क डन किसके इक्वल आ गया, कर्ली ऑफ डब्ल्यू या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन वर्क डन, स्मॉल वर्क डन जो आपने किया है इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कर्ली ऑफ वी के इक्वल है, जो किस पूरे के इक्वल आ गया, माइनस समीशन के इज इक्वल्स टू वन टू थ्री एन कर्ली वी बाय ये एक्स आई वाई आई जेड आई को इकट्ठा करके लिख दिया क्यू के की फॉर्म में। ठीक है, और ये पूरा कर्ली जो चल रहा था, कर्ली एक्स आई, कर्ली वाई, कर्ली जेड आई, इसको ऐसे करके लिख दिया क्योंकि हमने इसको नोटेट करना है जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास, इसको इकट्ठा करके लिख दिया कर्ली ऑफ क्यू के, ऊपर हमेशा कर्ली नीचे पार्शियल, तो कर्ली ऑफ डब्ल्यू किसके इक्वल आ गया आपके पास, क्यू के कर्ली ऑफ क्यू के, वे क्योंकि किसके इक्वल आ गया कर्ली वी बाय कर्ली क्यू के माइनस के। दिस इज इक्वेशन नंबर 17। तो वो कह रहे हैं अब ये जो 17 इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट कर रही है जनरलाइज फोर्स। ठीक है, जो इक्वेशन 17 क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जनरलाइज्ड फोर्स एज अ वर्क डन इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इक्वेशन 15 से हमारे पास क्या आएगा, कर्ली ऑफ वी समीशन आई इज इक्वल्स टू वन टू कैपिटल एन कर्ली वी बाय कर्ली एक्स आई पार्शियल ऑफ एक्स आई। देखो इक्वेशन 15 ये है पूरी की पूरी, ये पूरी दोबारा उठा के लिख दी, कुछ नहीं किया हमने, ये इक्वेशन 15 पूरी लिख दी दोबारा से उठा के। अब फ्रॉम अबव रिजल्ट रिलेशन वी गेट, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कराओ विद रिस्पेक्ट टू क्यू के साथ, कर्ली वी बाय कर्ली क्यू के समीशन आई इज इक्वल्स टू वन टू एन, देखो कर्ली वी बाय कर्ली एक्स आई ऐसे ही आ गया, एक्स आई को कराएंगे कर्ली क्यू के साथ करवा रहे हैं कर्ली क्यू के, ये भी एज इट इज़, कर्ली वाई आई को कर्ली क्यू के, ये भी एज इट इज़ कर्ली क्यू जेड को कर्ली क्यू के साथ। ठीक है, तो ये इकट्ठा करके लिखा जाएगा ग्रेडियंट ऑफ आई, इसमें तो एक्स आई वाई आई जेड आई आ गए। ठीक है, वी का लिखा जा रहा है तो ये वी इकट्ठा आ गया, अब कर्ली बाय कर्ली क्यू के, तो इसको इकट्ठा करके लिखा एक्स आई वाई आई जेड आई को आर आई लिख लिया, क्योंकि आर आई किसके इक्वल होता है एक्स आई वाई आई और जेड आई के। तो यहाँ से पार्शियल, ये पार्शियल के इक्वल लिखा कर्ली ऑफ आर आई बाय कर्ली ऑफ क्यू के को। ठीक है, तो ये आपके पास समीशन आई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वी के इक्वल था तो माइनस लगा दिया, फोर्स की जगह एफ इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट एफ ऑफ आई कर्ली आई बाय कर्ली क्यू के, फिर एफ ऑफ आई माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वी के इक्वल आ जाएगा, आगे कर्ली बाय कर्ली क्यू के इसके इक्वल आ जाएगा माइनस ऑफ क्यू के, वेयर ये पूरा का पूरा हमने क्या माना हुआ है अनदर जेथ की इक्वल, विच इज़ एज जिसका मतलब क्या है,
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन ही हो रहा है इज टेकन एज जनरलाइज फोर्स। वो कह रहे हैं इफ द सिस्टम कंजर्वेटिव नहीं है और डिपेंड कर रहा है अपॉन द क्वांटिटी वेलोसिटी क्यू जे डॉट के को, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है इंस्टेड ऑफ क्यू जे के, पोजिशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नॉट कंजर्वेटिव है। देन द जनरलाइज फोर्स क्यू जे इन एसोसिएशन विद द कोऑर्डिनेट क्यू जे इज डिफाइंड बाय। उस केस में वो कह रहा है, पहले तो हमने दूसरा केस लिया था, आप ये कह रहा है कि अगर कंजर्वेटिव नहीं है तो उस केस में क्यू जे किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस कर्ली यू बाय कर्ली क्यू जे प्लस डी बाय डीटी ऑफ क्यू जे बाय क्यू जे डॉट, वे यू किस किस का फंक्शन है, क्यू जे क्यू आई का और क्यू आई डॉट का, इज कॉल्ड वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल, और इसे क्या बोलते हैं, वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल जनरलाइज पोटेंशियल। ठीक है, तो ये आपके पास था जनरलाइज पोटेंशियल वाला आर्टिकल। अब इसके बाद जो हम करेंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, तो इसकी हम इस लेक्चर में सिर्फ पढ़ेंगे स्टेटमेंट, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी करेंगे डेरिवेशन। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल स्टूडेंट्स, इसमें से आपने कुछ नहीं छोड़ना, सब लिख कर आओगे। देखो वो क्या कह रहा है, हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल, स्टेटमेंट क्या है इसके लिए, कह रहे हैं कि कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए हैमिल्टन्स प्रिंसिपल मे बी डिफाइंड एज कंजर्वेटिव सिस्टम। एक एक वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो कह रहे हैं कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए हैमिल्टन्स प्रिंसिपल मे बी डिफाइंड एज फॉलोस। ठीक है, स्टेटमेंट में अब ये रही आपके पास स्टेटमेंट, एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय अ कंजर्वेटिव होलोनॉमिक, बताया हुआ आपको डायनामिकल जो मूविंग में है पार्टिकल्स, ओवर अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल फिक्स्ड है, क्या ली हुई है टाइम इंटरवल, T1 से T2 के बीच में, इज दैट एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय अ कंजर्वेटिव होलोनॉमिक एंड डायनेमिकल सिस्टम ओवर अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल, इज दैट अगर जो एक्चुअल पाथ फॉलोड होगा किसके लिए, कंजर्वेटिव और होलोनॉमिक के लिए, और टाइम जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है, टाइम चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, इज दैट और विच द लाइन इंटीग्रल, जिसके लिए लाइन इंटीग्रल ऑफ लैग्रेंजियन फंक्शन इज स्टेशनरी। तो कह रहे हैं जिसके लिए आपके पास लैग्रेंजियन फंक्शन, मैंने आपको बताए थे किसे कहा जाता है, ठीक है, लास्ट लेक्चर में देखना वहाँ से उठाकर। वो कह रहे हैं क्या होता है, फिक्स टाइम इंटरवल के लिए लाइन इंटीग्रल ऑफ द लैग्रेंजियन फंक्शन को एल से डिनोट करते हैं, उसके लिए क्या होता है, लाइन इंटीग्रल इज स्टेशनरी। मैथमेटिकली इसको कैसे लिखा जाएगा, I इज इक्वल्स टू T1 से T2 तक टाइम इंटरवल थी, लैग्रेंजियन फंक्शन आपका क्या था, स्टेशनरी, इसका मतलब L इंटू DT इंटीग्रल करना है तो इंटीग्रेशन लगाया, जिसके कारण लिमिट से T1 से T2 तक, इसलिए डिफ्रेंशिएशन इधर किससे हुआ, DT के साथ, तो इधर से स्टेशनरी है, ओवर द एक्चुअल पाथ ऑफ द मोशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। वो कह रहे हैं हेयर द लाइन इंटीग्रल I इज कॉल्ड एक्शन इंटीग्रल, इस लाइन इंटीग्रल को क्या कहा जाता है, या जी जो आई आया है आपके पास इस पूरे इंटीग्रल के इक्वल, इसको बोला जाता है एक्शन इंटीग्रल, एंड एलिस लैग्रेंजियन फंक्शन डिफाइंड एज ए फंक्शन विच इज़ डिफरेंस बिटवीन, लैग्रेंजियन फंक्शन जो होता है वो डिफरेंस होता है बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी टी एंड पोटेंशियल एनर्जी वी ऑफ द सिस्टम, तो एल इज इक्वल्स टू टी माइनस वी, इट इज़ ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्यू के, वेलोसिटी क्यू के डॉट एंड टाइम स्मॉल टी, दस वेरिएशन इन लाइन इंटीग्रल गिवन बाय रिलेशन 1 मस्ट बी 0, जिसके कारण वेरिएशन लाइन इंटीग्रल जो है, वेरिएशन तो होना ही नहीं है, स्टेशनरी है ना आपके पास, जिस कारण ये लाइन इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0, तो कर्ली ऑफ आई किसके को ला जाएगा, कर्ली लगा दिया एल, जनरलाइज लिख रहे हैं हम qk, qk. इंटू dt इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, वेयर क्यू के आपने क्या लिया है, q1 q2 q3 अप टू सोन qf, f क्या है, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, और qk डॉट क्या है, डॉट है, यहाँ डॉट डॉट्स लगा दो बस, qf क्या आ जाएगा, डॉट,
वेर एफ इज़ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जहाँ एफ किसके इक्वल है 3n-n, हैविंग n कंस्ट्रेंट्स लगे हुए हैं इन अ सिस्टम ऑफ कैपिटल n पार्टिकल्स। दिस इसकी अब एप्लीकेशन क्या है, दिस हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश द एक्चुअल पाथ फ्रॉम नेबरिंग पाथ। इसकी हेल्प से हम एक्चुअल पाथ को नेबरिंग पाथ से क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है।